अच्छा, ओ माय गॉड, काट भी लिया ये हमको जो है कि आँख के पास, और बहुत ही खुशकिस्मत थे जो कि मिट्टी का दिया है जो रात भर अंधियारों से लड़ता है। एक मिट्टी का दिया है जो रात भर अंधियारों से लड़ता है। तू तो ऊपर वाले का दिया है, तुझे किस बात का डर है? तू तो ऊपर वाले का दिया है, तुझे किस बात का डर है? हथेली पर रख कर नसीब तू किस मुकद्दर को ढूंढता है? हथेली पर रख कर नसीब तू किस मुकद्दर को ढूंढता है? सीख उस समंदर के लहरों से जो टकराने के लिए पत्थर को खोजता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्नैक टेस्ट मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग आ गए हैं 52 बीघा में, और इनके यहाँ जो है कि कोई सांप छुपा हुआ है लेकिन पता नहीं इधर इनके यहाँ कोई सांप छुपा हुआ है लेकिन पता नहीं कौन सांप है। क्या नाम हुआ आपका? नाम मोहम्मद मुस्तकीम हुआ। मोहम्मद मुस्तकीम जी जो है कि कॉल किए हैं कि यहाँ पर कोई सांप है। सांप देखे हैं? कौन सांप है? सांप जो है, हाँ, वो ब्लैक और ब्राउन टाइप का था। ब्लैक और ब्राउन टाइप का था। चलिए देखते हैं आखिर कौन सा सांप है, सर्च करते हैं। उसका जो है कोबरा टाइप का हरकत, इनको जो है कि कोबरा टाइप का लग रहा था। चलिए देखते हैं हम लोग आखिर कौन सा सांप है, और उसको सही सलामत रेस्क्यू कर हम लोग उसे जंगल में छोड़ने का काम करेंगे, ताकि जो है कि वो अपना जीवन, आप कुछ बात करने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, इसमें है? चलिए ठीक है, इसमें जो है कि सांप को देखा गया है, लेकिन पता नहीं, पहले हम लोग इधर से सर्च कर लेते हैं। लाइट इसमें है, लाइट जल रहा है, और अभी तक तो कोई हरकत दिखा नहीं है। हम लोग धीरे धीरे जो है कि सारे सामान को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर हम लोग को जो है एक जो है ना कि ये हटाइए इसे। चलिए चलिए, हमें दिख नहीं रहा, और ये दिख रहा है, ये देखिए ये है, हाँ, और इससे हम लोग जो है कि धामन सांप का बच्चा, ओ माय गॉड, काट भी लिया। हाँ, फिर देखिए, फिर बाइट किया आज मुझे, और जब भी मैं इस सांप को पकड़ने आता हूँ तो ये सांप जो है ना कि हमेशा जो है, और जी नहीं, कोबरा नहीं, और ये देखिए मन्नी जी फिर जो है कि बाइट किया, ये देखिए यहाँ, ये देखिए, हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, और ये सांप मुझे बाइट भी कर लिया। और अमूमन ये इतना ही छोटा बच्चा जब हम पकड़ते हैं तब ये बाइट करता है, क्योंकि इसको जो है कि असहाय महसूस होता है। जब बड़ा रहता है तो वो काटने की भी कोशिश नहीं करता है, लेकिन ये सांप मुझे बाइट किया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताते हैं, इस सांप को जो है कि हम लोग जो है कि धामन सांप बोलते हैं। कौन सांप? धामन सांप, हाँ। और इस सांप में लोगों का कहना रहता है कि इसके पूंछ में विष होता है, सुने होंगे आप लोग, तो ये गलत बात है। इस सांप के ना तो पूंछ में विष रहता है, न ही मुंह में विष रहता है। ये मुझे बाइट कर लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मुझे ही नहीं, ये किसी को भी अगर बाइट कर ले तो इसे डरने की आप लोग को जरूरत नहीं है। इसे धामन सांप बोलते हैं। ये देखिए, मुझे अप्रत्यक्ष के रूप में खून है, और ये सांप अगर काट भी ले ना तो ये हमें ही नहीं, आपको भी काट ले तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि इस सांप में जो होता है कि वैनम ही नहीं होता है, इस सांप नहीं, इस सांप में वैनम नहीं होता, इसलिए इस सांप से आप लोग को डरने की जरूरत कहीं नहीं है, पूछ में भी नहीं, नहीं। तो कहे मरता है लोग इसको अंधविश्वास के कारण, लोगों को जानकारी नहीं है। ये हमारी काम जो है ना कि सांपों को केवल जो है ना कि आपके घर में से बचाना है, लोगों को जागरूक करना है। मेरा काम कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर, उसके माध्यम से लोगों को हम बताना चाहते हैं। जैसे कि अभी ये वीडियो जो भी लोग देखेंगे, और आप लोग हैं, तो आप लोग को तो प्रत्यक्ष के प्रमाण के देने की जरूरत नहीं है, तो देख रहे हैं, देख रहे हैं, और ये केवल मैं इसे मैं जो है इसको धो लेना है। और 3 महीना से पहले हम टेटवाइट के सुई ले चुके हैं, इसलिए हमको अब टेटवाइट के सुई भी लेने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सांप जो है कि जो भी जीव मांसाहारी होता है उसके दांत में जो होता है कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, जिसके कारण जो है कि थोड़ा सा जो है कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम होने की शंका रहती है। इसलिए आप जो है ना कि ये सांप अगर काट ले तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर टेटवाइट की सुई लिए हुए तो ठीक है, नहीं है तो एक टेटवाइट की सुई जो है कि जो कितने घंटे के अंदर में, 12 घंटे के अंदर में एक टेटवाइट का सुई ले लेना है, बस बात खत्म। चलिए, इसको हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लिए, और इसका ये अपना नेचर है, इसको अपना नेचर है काटना, हमारा काम है बचाना, और ये भी अपना ही काम कर रहा है, और ये भी अपना ही काम कर रहा है, और हम भी अपना ही काम कर रहे हैं, इसलिए
हाँ वाश कर लेंगे, इसलिए चिंता के बात है नहीं, क्योंकि आप लोग को बार बार बताते हैं कि धर्मन साहब पे जो है कि थोड़ा सा भी वैनम नहीं होता है, चाहे पूछो चाहे मुंह हो, इसलिए अंधविश्वास में जो है ना कि आप लोग ना पड़े। चलिए ठीक है, इसको इसको जो है ना कि एक बड़ा आप देखिए अभी यहाँ पे काटा यहाँ पे, हाँ ये जो है ना कि बार बार जो है ना कि अब देखिए अब जो है कि फेस के पास जो है कि फेस के पास काट लिया, ये एकदम एग्रेसिव मूड में आज लग रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी डब्बा दे दीजिए, अन्यथा ये जो है ना कि हमको जो है ना कि आँख के पास, और बहुत ही खुशकिस्मत थे जो कि आँख के पास जो है किसी आँख के पास इसका दांत नहीं गया, क्योंकि इसका हाँ इसका वैनम इसका दांत जो होता है ना कि बहुत काफ़ी तेज होता है, और इसके पास दांत जो है ना कि एक नहीं होता है, करीबन 100 दांत इसके पास होते हैं, छोटा 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 बारीकी से। चलिए ये बार बार एग्रेसिव, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये एग्रेसिव मूड में है आज, ये बहुत दूर से छरपता है। हम्म, बहुत कल भी आया था एकदम पूरा छरप के भाग गया पूरा। खरोस्ट ये सांप जो होता है ना कि हाँ, और एक जानकारी, ये सांप जब काटेगा ना तो खरोस्ट टाइप का होगा, देख रहे हैं, हाँ खरोच टाइप, अब 20 दंत, अब ये विषैला सांप जब काटेगा तो आपको दो ही 20 दंत आएगा, एकदम बारीकी से दो ही निशान आपको आएगा। और काफी पसीना भी है आज, काफी गर्मी भी है, और ये सांप का जो है कि अमूमन जो है ना कि काटने का लक्षण नहीं होता है, हाँ ये बड़ा हाँ ये बड़ा सांप रहेगा ना तो ये काटेगा नहीं, नहीं तो और दूसरा सांप अगर रहता है ना, साकर सांप जो होता है, हम लोग तो सुनते हैं कि माल जाल को मार देता है, नहीं गलत बात है, दूध हाँ दूध के बारे में, हाँ दूध के बारे में जान लीजिए, ये सांप जो होता है ना कि शुद्ध मांसाहारी होता है, सांप दूध नहीं पिएगा, सांप जिस दिन दूध पिएगा उस दिन ये मर जाएगा, क्योंकि सांप में वो एंजाइम नहीं पाया जाता है जिसमें जो है कि इसको जो है ना कि पचाया दूध पचाया जा सके। इस धरती पर उसी जीव, इस धरती पर जो है ना कि वही जीव का बच्चा दूध पी सकता है जिसकी माँ दूध देगी। विटामिन तो पीता है नहीं, गलत बात, कैसे जानवर को मारते, गलत बात है, ये आपने कभी नहीं देखा होगा, केवल ये जो है ना, हाँ तो केवल सुने हैं, इसलिए सुनने पर और कहने पर तो अति होना चाहिए ना, हम तो आपको प्रत्यक्ष में दिखा रहे हैं ना। चलो अब अंदर चलो, तुम बस इस क्या बोले, ये इसमें तो वैनम है नहीं, इस सांप को जो है कि बिहार सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है, क्योंकि गेहूं के खेत मक्की के खेत में ये रहता है, तो जिसके खेत में रहेगा ना तो उसको 5 किलो अनाज अगर उगेगा और ये सांप अगर उस खेत में है तो 10 किलो हो जाएगा, हाँ क्योंकि उसमें चूहा का जो है ना कि जनसंख्या को कम करता है तो नष्ट कम करता है, चूहा का प्रवृत्ति आप देखे हैं ना, खाता कम है नष्ट अधिक करता है, तो वही इसको जो है ना कि संरक्षित किया गया उसको संतुलित में रखने के लिए। चलिए ठीक है, इस सांप को हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लिए और सही सलामत इसको जंगल में जाकर छोड़ देंगे, हाँ और ये जो है ना कि सांप पे मुझे दो दो जगह बाइट किया, यहाँ उंगली में भी बाइट किया, यहाँ भी बाइट किया, लेकिन कोई बात नहीं है, इस सांप का नेचर ही है बाइट करना, क्योंकि ये जानता नहीं है कि इसे मैं बचाने आया हूँ या मारने आया हूँ, असहाय महसूस जब कोई भी करेगा तो अपना आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही। चलिए ठीक है, इसका काम था काटना, मुझे काम था बचाना, चलिए इसको बचाकर हम लोग सही सलामत जंगल में छोड़ देंगे। वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का आप जान बचाया जा सके, ये काटते रहे हम बचाते रहे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।